कुछ नहीं, वो तो जब वो आई है तो मुझे पता चला है, उसकी ना लड़के से खत्म हो गई थी बेचारी की। हाय हाय, कहती थी कि मुझे ना ऐसा तैयार कर दें कि मैं दुखी नजर ना आऊं। अब मैं हैरान कि भला मेकअप से कैसे दुख छुपेगा। कुछ कर रही थी तू? पढ़ाई कर रही थी। वो बस मैंने ये कहना था कि जब फारिग हो जाएगी ना तो थोड़ी देर अपने नाना मियाँ के पास बैठ जाए। क्यों कोई कहा मैंने मुझसे? काम तो नहीं है उन्हें तुमसे कोई भी, लेकिन तू जब उनके आसपास फिरती नहीं है ना, उनके पीछे नहीं पड़ती, उनसे बातें नहीं करती, उनसे अपनी जिद्दें नहीं मनवाती, तो वो परेशान से हो जाते। अब क्या परेशानी हो गई उन्हें? यही कि तू उनसे बातें क्यों नहीं करती, उनसे लड़ती क्यों नहीं है बात बात पे। थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अपने नाना मियाँ के पास बैठा कर, उनसे बातें किया कर। ठीक है। पुत्र तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी घर वालों को भी बता दे, बल्कि मस्जिद में ऐलान करवा दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी देर और, मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं, शुक्र है तू मान गई। मुझे ये लड़की ने तस्वीर भेज दी कि मुझे ऐसा हेयर स्टाइल बना दो, ऐसा तैयार कर दो। मैंने सोचा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आप करें आराम से। पता है, एक तो ना रोज नए नए फैशन आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। एक दिन मुझे एक लड़की ने फोन करके पता है क्या कहा? कहती क्या है कि मेरा ना ब्रेकअप हो गया है, मेरा ब्रेकअप मेकअप कर दें। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये ब्रेकअप मेकअप क्या होता है। मैं सोचूं कि शादी वाला मेकअप करना है या पार्टी वाला मेकअप करना है, दिन का फंक्शन है कि रात का फंक्शन है। कहती है कि मुझे ना ऐसा हसीन बना दो कि मैं खुश नजर आऊं। मैं तुझे भी फोन किया था पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, वो तो जब वो आई है तो मुझे पता चला है, उसकी ना लड़के से खत्म हो गई थी बेचारी की। हाय हाय, कहती थी कि मुझे ना ऐसा तैयार कर दें कि मैं दुखी नजर ना आऊं। अब मैं हैरान कि भला मेकअप से कैसे दुख छुपेगा। फिर भी ना मैंने उसे कहा कि आप ना टेंशन ना लो। मैंने उसको ऐसा फिट तैयार किया ना कि वो खुश हो गई। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।